आज हम बना रहे हैं 19 बी सूप। सर्दियों की एक स्पेशल किस्म की ये रेसिपी है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ इंशाल्लाह आपको आज बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसान तरीके से। इसके लिए मैं आपको साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जो जो हमें चाहिए। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें अब ये लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी। बिल्कुल 2 सेकंड्स के लिए फ्राई करके हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये तकरीबन 1/2 कप है। इसको मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये मैं स्लाइस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से फ्राई करके सूप का एक डिफरेंट और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें ये 1/2 कप शामिल कर रही हूँ मशरूम्स। आप ब्लैक मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक मशरूम्स के साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप इसमें प्रॉन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वक्त प्रॉन्स इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ज़रा तेज़ आंच पर। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून नमक। बाद में हम टेस्ट करके मज़ीद भी डाल सकते हैं। एक अदद चिकन क्यूब। थोड़ा सा इसको फ्राई करके मैं इसमें सॉसेज शामिल करूंगी। ये देखें, अब ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। मैं अब इसमें सॉसेज शामिल करने लगी हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा सिरका 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून सिरका दिया। अब मैं शामिल करने लगी हूँ इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट अनबिलीवेबल टेस्ट आएगा। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। और मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस। डार्क सोया सॉस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी अच्छे स्टोर से खरीद सकते हैं। ये देखें, जो ही इसमें डार्क सोया सॉस जाएगी इसका कलर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ इस रेसिपी का दूसरा मैजिक इंग्रेडिएंट और वो है ओयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये भी कलर में बहुत इफेक्ट करता है और वैसे भी टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है।
अब इसमें मैं इस रेसिपी का तीसरा और आखिरी सीक्रेट और डिलीशियस वन इंग्रेडिएंट शामिल करने लगी हूँ, वो है स्वीट थाई चिली सॉस। ये मैं डिपेट के इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन आता है, बहुत मज़े का। हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसमें प्रॉन्स का इजाफा कर सकते हैं, प्रॉन्स के साथ टेस्ट बहुत मज़े का आता है, लेकिन मैं अभी इस्तेमाल नहीं करी। इस टाइम पे आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आप इसी तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट के या कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो भी नहीं डाल रही। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 3 ग्लास यखनी। अगर आपके पास यखनी मौजूद नहीं है तो भी आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन क्यूब है तो टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको उबाल आने तक मैं इंतज़ार करूँगी और फिर इसमें कॉर्नफ्लावर हम शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर में तकरीबन 3 टेबलस्पून थोड़े से पानी में मिक्स करके वो डालूँगी और उसको इसको अपनी मुनासिब कंसिस्टेंसी तक आने तक मैं देखूंगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको इस उबलते हुए सूप में शामिल करूंगी और देखते हैं ये कब गाढ़ा होता है। ये अब हो गया है मुनासिब गाढ़ा और मैं अब इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल करूँगी। मैं 2 अंडे की सफ़ेदी लूँगी, उसको बहुत अच्छी तरह फेंटूँगी कि वो ऊपर झाग आ जाए और फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, आपने इसको इस तरह से झाग बनने तक अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इस तरह से झाग बन जाए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको फौरन से नहीं हिला देना, कुछ देर बाद थोड़ा सा ये पक जाए। जी, मैं आंच बंद कर रही हूँ, सूप अब बिल्कुल तैयार है। इस लेवल पे आके आप इसका चेक कर सकते हैं, इसमें नमक या मिर्च की कोई कमी तो नहीं।
और ये बेहतरीन सा सूप तैयार है। इसका कलर देखें, कलर वही है जो रेस्टोरेंट्स में सूप का होता है, और टेस्ट में भी ये बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम होगा। आपको उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।